हेलो एवरीवन, आप सभी को सचिन मोदी का नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। यस माय डियर फ्रेंड, आज एक बार फिर से हम अपने यू नो मेंस लेवल की जो रीजनिंग है उसकी डे थर्ड को आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार इस सेशन को। एंड मैं बिलीव करता हूं कि आप सभी को बड़ा मजा आया होगा इसके पहले दो सेशंस को देख करके, सेशन वन एंड सेशन टू को देख करके। एंड आई बिलीव कि आपको इस चीज से बहुत बेनिफिट भी मिलेगा जब आप मेंस में अपियर होंगे। आई नो दैट कि RRBPO means it's bit difficult, SBI clerical means is also bit difficult, लेकिन we can do it, हम ये कर सकते हैं। During the right preparation, अगर हम इस right time पर right preparation कर लेंगे तो we can easily crack the mains exam, बस आपको इसके लिए लगातार मेहनत करनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आप सभी को कुछ बातें बता देता हूं। अगर आपने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो मेरी सभी स्पेशल फ्री क्लासेस के लिए, इट्स कंप्लीटली फ्री, देयर इज नो चार्जेस, आप ज्वाइन कर सकते हैं। शाम को डेली 7:30 बजे से मैं स्टार्ट करता हूं, लगातार 9 बजे तक रोजाना 3 टेस्ट लेता हूं। आज 3 टेस्ट होंगे ये मैं आपको बता दूं। कॉम्बैट में अगर आपको एनरोल करना है, मॉक टेस्ट, स्पेशल क्विजेस, चाहे अनअकैडमी प्लस, कोई भी बेनिफिट अगर आपको लेना है इनमें से, आप केवल एक कोड इनवाइट कोड यूज कर सकते हैं, S1Live, ये एक इनवाइट कोड है जो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं कि आप इनमें से कोई भी फीचर्स का यूज कर सकते हैं। राइट, चले आगे बढ़ते हैं। सो एक बार फिर से बता दें, दिस इज द कंप्लीटली मेरी फ्री क्लासेस की टाइमिंग यहां पर है। एनरोल करने के लिए कोड दिया हुआ है एंड फॉलो करने के लिए मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। चले तो 11 अगस्त से कई सारे नए बैचेस आपके स्टार्ट हुए हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। कल से अपना एक मेंस का बैच स्टार्ट हो गया है, ठीक है। सो दीज आर द पहला बैच, रणवीर बैच है यहां पे, रणविजय बैच है यहां पे, अपना जो बैच है दैट इज मजेस्टिक बैच, ये अपना बैच है जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है। राइट, तो आप सभी बच्चे आज की क्लास जरूर अटेंड करें, रात के 9 बजे क्लास होने वाली है। हेलो अर्पित, परिमल, मोनिका, दिशान, ख्याली, वेरी गुड, गुड टू सी गाइस। थोड़ा टाइम पे रहा करो सब लोग, शेयर कर दो फटाफट से। आगे देखिए, यहां पे अनअकैडमी के डाउट फीचर्स के बारे में बता देता हूं कि ये डाउट फीचर क्या है। देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना आपकी प्रिपरेशन के दौरान, आपको लगता है कि यार मेरे को ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, आप बस फोटो क्लिक करके ये प्रोसीजर को फॉलो करो और इस प्रोसीजर से आप अपने डाउट को कंप्लीट कर लो। देयर इज अ डाउट फैकल्टी, दे विल क्लियर योर डाउट्स। अगर हम बात करते हैं कॉम्बैट की, कॉम्बैट जरूर देना है। मैंने आपको बोला है कि यार 36 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है 50 मिनट में। इस बार ऐसा हो रहा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है लेकिन टाइम ज्यादा दिया जा रहा है। सो आपको क्या करना है, हर संडे को सुबह 10 बजे कॉम्बैट लगाना ही लगाना है। कॉम्बैट का बेनिफिट क्या है कि आपको एक स्कॉलरशिप मिलती है 25, 50, 75, 100%, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी गेन करना चाहते हो। राइट, तो आप जरूर से जरूर गेन करिए और इसके लिए आप कॉम्बैट लगाइए। और कॉम्बैट में एनरोल करना है तो S1Live कोड है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाएं कोड लगाएं और एनरोल करें। अगर हम आगे बात करें तो सीटी का ऑफर चल रहा है, बैंक SSC कॉम्बो का, ये आप ले सकते हैं। बैंक RBI या नाबार्ड, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यू कैन एनरोल, आप इसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं ये जानना कि सर ओवरऑल क्या ऑफर है इस समय अनअकैडमी पे, मुझे अनअकैडमी प्लस एनरोल करना है, तो किसी भी चीज के लिए आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। सो अनअकैडमी प्रॉमिस ऑफर 1 या 2 साल के लिए आपके पास एडिशनल टाइमिंग ये है, ज्वाइन कर सकते हैं। सीटी की प्रिपरेशन का टाइमिंग ये है, ज्वाइन कर सकते हैं। और इस तरीके से आप अनअकैडमी के ऑफर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, ये आपको मैंने बता दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरीबॉडी रेडी? अरे कमेंट सेक्शन में बोलो यार, इट्स मेंस टाइम, मेंस निकालना है और मेंस निकालने के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी का होना, एक जोश का होना, जुनून का होना बहुत जरूरी है। ये प्री नहीं है दोस्त, ये मेंस है और मेंस के लिए दिमाग बहुत लगाना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी एकदम फाड़ू वाली स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक अल्टीमेट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, है ना। तो चलिए एक बार सभी लोग बोलो यस सर वी आर रेडी, कमेंट सेक्शन को भर दो फटाफट से, फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को आज के। यस सर, रेडी रेडी रेडी, मैं भी चेक कर रहा हूं, एवरीथिंग इज फाइन ना। ओके चलो, ग्रेट, रेडी 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 रेडी। हाँ, और प्लीज अना आप अगर इकलौते हैं तो आप अपने एक फ्रेंड को आप जरूर इनवाइट करें सेशन के अंदर। एटलीस्ट अगर एक एक बंदा एक एक फ्रेंड को भी इनवाइट करेगा तो वी कैन बी डबल, इजीली अपन मल्टीपल हो जाएंगे, है ना, डबल हो जाएंगे, तो जरूर करिए। चलिए, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आज अपन लेने वाले हैं रिवर्स सिलॉक्स, हाउ टू सॉल्व दिस सिलॉक्स। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करो आप, यू विल गेट 1 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन, 1 मिनट है आपके पास, ट्राई दिस क्वेश्चन इन 1 मिनट, यू कैन डू इट, आई नो दैट।
चलो सॉल्व करो। टाइम अप। एक आंसर हमें मिल गया है एंड गेटिंग आंसर डी बी ऑल्सो। और किसका देखो हाउ टू चेक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हाउ टू चेक, चेक कैसे करना है, समझना इस बात को सब लोग, है ना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये कैसे चेक करते हैं देखिए, इसने सबसे पहले स्टेटमेंट दिया है कि नो टेप इज कंप्यूटर, सबसे पहले बोला नो टेप इज कंप्यूटर। तो दो एंटिटीज यहां पे हम यूज कर रहे हैं, एक अपन टेप की यूज कर रहे हैं, एक अपन कंप्यूटर की यूज कर रहे हैं, राइट। समझना हाउ टू चेक। अब आओ जरा यहां पे कंप्यूटर आपको यहां पे मिल रहा है, मिल रहा है ना कंप्यूटर। कंप्यूटर के बाद यहां पे डिवाइस कनेक्टेड हो रहा है फ्लॉपी से, लेकिन ये ओनली अ फ्यू है, ये भी सम है, दोनों एक तरह सम है, ये सम एंड सम नॉट है, ये सम है। सर्कल कैसे बनेंगे, ऐसे बनते हैं, एक बार सम ऐसे बनेगा, एक बार सम ऐसे बनेगा, यानी कंप्यूटर इस वाले पार्ट में है, डिवाइस इस वाले पार्ट में है, फ्लॉपी इस वाले पार्ट में, दिमाग लग रहा है। तो ये सम 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 जा रहा है, ओके, तीन रिंग बन रही है। आगे आओ, फिर अपने पास ऑल आ रहा है, ऑल फ्लॉपी आर टेप, यानी फ्लॉपी ने ही टेप को रोक लिया, सारे फ्लॉपी ने टेप को रोक लिया, तो कंप्यूटर टेप तक पहुंच ही नहीं पाया। गलत बात समझेंगे, हाउ टू रिलेट, ऐसे रिलेट करेंगे। अब आगे आओ, सेकेंड पे आओ, सेकेंड पे फिर देखो टैप एंड कंप्यूटर को देखो। टैपन कंप्यूटर में एक चीज आपको यहां पे दिख रही होगी, दैट इज कॉमन थिंग, दैट इज ओनली स्टेटमेंट, ओनली डिवाइस आर कंप्यूटर। सो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ऑल कंप्यूटर आर डिवाइस कन्वर्ट हो जाएगा, राइट नॉट। जब ये कन्वर्ट हो जाएगा कि ऑल कंप्यूटर आर डिवाइस, तो आपको ये बात क्लियरली समझ में आती चाहिए कि ये जो कंप्यूटर का पार्ट है ये किसी और से कनेक्टेड नहीं होगा, केवल डिवाइस से कनेक्टेड होगा। और अगर केवल डिवाइस से कनेक्टेड होगा तो इस कंप्यूटर वाले का पार्ट टेप के साथ हमेशा नो वाला सही होगा। रिलेट हो रहा पॉइंट इजीली, एक स्टेटमेंट को देख के मैं कह सकता हूं पहला सही है, राइट। चलो तो अब ये सही हो गया, हला सोचना, फ्रेम करके देख लेना, आपको समझ में आएगा ये कि व्हाट सचिन सर इज सेइंग। अब आप आओ, इसने क्या बोला, डिवाइस की मदरबोर्ड से पॉसिबिलिटी, यानी डिवाइस को मदरबोर्ड से पॉसिबिलिटी में लेके आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिवाइस और मदरबोर्ड का आपस में कोई कनेक्शन चाहिए नहीं, डेफिनेट वाला, इनडेफिनिट कनेक्शन चाहिए। तो मैं आऊंगा, मैं देखूंगा कि यार ये तो मदरबोर्ड आ रहा है, इसमें मदरबोर्ड का फ्लॉपी से कनेक्टेड है, पॉजिटिव कनेक्शन है, पॉजिटिव है, और देन यहां पे देखो फ्लॉपी आ गया, फ्लॉपी का डिवाइस से कनेक्शन है। इसको मैं छोड़ भी दूं तो सोचो, टेप मदरबोर्ड से कनेक्टेड हुआ, मदरबोर्ड फ्लॉपी से कनेक्टेड और फ्लॉपी डिवाइस से कनेक्टेड है, तो इजीली डिवाइस जो है वो मदरबोर्ड से कनेक्टेड होगा कि नहीं होगा, ये डिवाइस और ये मदरबोर्ड है, सोचो, क्योंकि ये ऑल है, ये भी ऑल है, ऑल ऑल सम, ऑल ऑल सम। सोचो कि अगर मैं ये ए बना दूं, ये मैं बी बना दूं और फिर मैं ये सी बना दूं, तो मेरा जो ये वाला पार्ट है मदरबोर्ड का फ्लॉपी वाला पार्ट है, उसके साथ पॉसिबिलिटी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, भाई एक बार बताओ पॉसिबिलिटी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा ना, समझाऊं, मैं बना के दिखाता हूं आपको। ऑल टेप आर मदरबोर्ड, ये सारे के सारे टेप क्या है, मदरबोर्ड में आएगा, आ गया ना मदरबोर्ड, यहां पे मदरबोर्ड की किससे पॉसिबिलिटी है, फ्लॉपी से, ये फ्लॉपी आ गया, राइट। अब डिवाइस और फ्लॉपी में क्या है, सम है, सम है, इसका मतलब है कि ये जो डिवाइस और मदरबोर्ड है, क्या ये अपनी पॉसिबिलिटी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, भाई ये सर्कल और ये वाला सर्कल जो है ये अपनी पॉसिबिलिटी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा ना, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो करेक्ट। तो ये कह रहा है ऑल ऑल और सम पॉसिबिलिटीज, राइट, ऑल ऑल सम पॉसिबिलिटीज, राइट, तो पॉसिबिलिटीज राइट, ठीक है। तो दूसरा भी आपका ट्रू हो गया है। अब तीसरा क्या कह रहा है, सम टेप इज फ्लॉपी, ये डेफिनेट केस है। अब आप बताओ टेप इज फ्लॉपी में क्यों सही है, क्योंकि ये दोनों ऑल है, ये दोनों ऑल है, एंड ऑल प्लस ऑल बराबर सम इज राइट,
सम इज राइट। अरे भैया जब मैं कह दूं कि ऑल टेप आर मदरबोर्ड, फिर मैं कह दूं ऑल मदरबोर्ड आर फ्लॉपी, तो ऑल टेप आर फ्लॉपी हुआ कि नहीं हुआ? और जब ऑल टेप आर फ्लॉपी होगा तो सम टेप इज फ्लॉपी इज ऑल्सो राइट, ये भी ट्रू है या नहीं है? सो व्हाट यू से कि सब बी इज द राइट आंसर। गाइस ये सोचना है आपको, ये सोचोगे जल्दी जल्दी ऑप्शन रिजेक्ट भी होंगे और यू विल गेट द आंसर। अब अगर आपने पांचों, मान लो सपोज करो कभी ऐसा होता है कि पांचवा ऑप्शन सही होता है, आपने पहला गलत किया, दूसरा गलत किया, तीसरा गलत किया, एक मिनट, तो आपके तीन ऑप्शन को हमसे आप एक मिनट में रिजेक्ट कर सकते हो, एक मिनट में तीन से ऑप्शन रिजेक्ट कर सकते हो, ये रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, और हो सकता है आप चौथा भी रिजेक्ट कर दो। तो अगर एक मिनट में चार भी रिजेक्ट कर दो, पांचवा जब सही होगा तो यार 10, 12 या 20 सेकंड और लगेंगे, यू विल गेट द आंसर। तो अगर 60 सेकंड नहीं 80 सेकंड में यू आर गेटिंग आंसर ना, बेस्ट डील है, ये ध्यान रखना। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड फ्रेंड्स मैं आपसे उम्मीद करता हूं यार, मेंस की क्लास है, इट्स अ मेंस की क्लास, और मुझे पता है एवरी एस्पायरेंट इज थिंकिंग अबाउट मेंस कि मेंस कैसे क्रैक करना है। यार आपको एक डेली प्लस जैसी फीलिंग आएगी यहां पे क्लास में। चलो ट्राई दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, ट्राई दिस क्वेश्चन एक बार, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। गाइज एक मिनट पूरा हो गया है, लेट मी गिव यू 30 सेकेंड और ले लीजिए, ट्राई करिए। चलो गाइस 2 मिनट हो गए हैं एंड आंसर इज डी इज राइट। ओके ओके, डी डी डी, गुड। इस बार तो बहुत सारे बच्चों ने डी आंसर किया। देखो हाउ टू थिंक, ईच स्मॉल इज नॉट डिस्टेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, सम नॉट, इसका मीनिंग क्या हो गया, सम नॉट। तो ये हमसे कह रहा है कि सम स्मॉल इज नॉट डिस्टेंस, कुछ स्मॉल है जो डिस्टेंस नहीं होंगे, राइट। लेट मी चेक, ये स्मॉल है, लार्ज है, कूपन है, ओके स्मॉल है, लेंथ है, और यहां पे है। अब मेरे को चाहिए डिस्टेंस और डिस्टेंस और स्मॉल। अगर मैं डिस्टेंस और स्मॉल की बात करूंगा तो मैं इस पे आऊंगा, इस पे आऊंगा और देन इस पे आऊंगा। तो मैंने क्या बोला, सम लेंथ आर, सम स्मॉल आर लेंथ, राइट, ऑल लेंथ इज डिस्टेंस, राइट। इसका मतलब है सम नॉट डेफिनेट नहीं है ना, सम प्लस ऑल से सम नॉट डेफिनेट तो नहीं होता। आप खुद सोचो कि मैंने सम बनाया, मैंने कहा ये स्मॉल है और ये लेंथ है, और मैंने कहा कि ये पूरा लेंथ क्या डिस्टेंस है, तो मैं ये कह सकता हूं कि सम नॉट डिस्टेंस क्लियर नहीं है, सम स्मॉल आर डिस्टेंस इज राइट। पर ये कह रहा है सम स्मॉल इज नॉट डिस्टेंस, सम नॉट क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है, ये सीधे सीधे गलत हो गया। पहला आपने देखते ही रॉन्ग कर दिया, पहला देखा गलत, फिर सम स्मॉल बीइंग लार्ज, मान लो स्मॉल और लार्ज की पॉसिबिलिटी बोल रहा है। अगर देखो सम स्मॉल बीइंग लार्ज, ये लो सम लार्ज आर स्मॉल, तो इस लार्ज आर स्मॉल की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए ना, ये तो डायरेक्टली गलत हो जाएगा, ये सीधे सीधे गलत है, दूसरा भी देखते ही गलत कर दो। तीसरा क्या कह रहा है कि नो लार्ज, अब मेरे को तो पॉसिबिलिटी चाहिए, ये भी तीसरा देखते ही गलत कर दो। हार्डली 30 सेकंड लगेंगे यार, तीन ऑप्शन रिजेक्ट हो गए, अब अपने पास बचा चौथा और देन कुछ नहीं है। अब आपसे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा था, सम सम वाला है ना, तो देखो सम और नो से सम नॉट बनता है, सम से और नो से सम नॉट बनता है ना। तो देखो अगर इसने क्या कहा कि सम स्मॉल आर लेंथ, ये हो गया, एंड नो लेंथ आर डिस्टेंस, कोई भी लेंथ डिस्टेंस नहीं है, तो देखो
सम से और नो से सम नॉट ट्रू होता है। तो देखो सम स्मॉल आर नॉट डिस्टेंस, ये आपका पहला ट्रू हो गया, हाँ है ना, हाँ कि ना, हो गया ना। अब आगे देखो फिर क्या कह रहा है कि सम स्मॉल बींग लार्ज, स्मॉल बींग लार्ज, तो देखो एक बार बताओ कि स्मॉल लेंथ है, आ जाओ यहां पे जरा लार्ज पे भी, लार्ज क्या है, ऑल लार्ज आर कूपन, सम स्मॉल आर कूपन, तो सम स्मॉल आर कूपन, ये कूपन है, ओके ये स्मॉल है, ये लेंथ है, है ना, और ये डिस्टेंस है, ओके। अब ये क्या कह रहा है कि सम कूपन आर स्मॉल, सम कूपन आर स्मॉल, ऑल लार्ज आर कूपन, सारे के सारे लार्ज क्या है, कूपन है, ये सारे लार्ज हो गए, ये सारे लार्ज कूपन हो गए। तो स्मॉल का लार्ज से पॉसिबिलिटी है, तो स्मॉल यहां पे, लार्ज यहां पे, देखो दोनों के बीच में पॉसिबिलिटी है ना, एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू, राइट। तीसरा सम डिस्टेंस कैन बी कूपन, तो डिस्टेंस का कूपन से कोई कनेक्शन है ही नहीं, यानी कि इसके बीच में भी क्या है, पॉसिबिलिटी है, ये भी सही है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, दिस इज द राइट आंसर। देखो ये तरीका है, यू कैन डू इट इजिली, बस आपको बस पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसका मीनिंग क्या है, एंड हाउ टू प्लेस। जितना तेजी से कर लोगे उतना हो जाएगा। सर ईच नॉट सेंटेंस समझ में ही में प्रॉब्लम हो रही थी दिशान, कोई बात नहीं है। देखो ईच नॉट का मतलब क्या है, ईच स्मॉल इज नॉट डिस्टेंस, ये कह रहा है कि सारे के सारे नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं है, सारे के सारे नहीं है। अगर आप बोलो सपोज करो एक कमरे के अंदर कुछ चोरों को बिठाया है अच्छे लोगों के साथ में, तो क्या आप बोलोगे, सारे चोर नहीं है, यानी कि सम आर नॉट थीफ, कुछ थीफ नहीं है, क्योंकि अगर आपने एक कमरे में कुछ चोरों को बिठाया है सज्जन लोगों के साथ में, तो यू विल सी ना कि कुछ नहीं है चोर, तो ऑल नॉट, सारे के सारे चोर नहीं है, ऑल आर नॉट थीफ, तो सम आर नॉट थीफ, क्लियर है, यू कैन रीड अंडरस्टैंड। चलिए ये लीजिए तीसरा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए, एंड प्लीज यार दोस्तों शेयर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, हर किसी को मेन्स की क्लास टाइम पर नहीं मिलती, आपको टाइम पर मिल रही है, एंड आई बिलीव कि अगर मैं मेरी तरफ से ये एफर्ट है तो आप लोग इस एफर्ट को जरूर से जरूर अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन, फोर नहीं दिख रहा है, अब दिख जाएगा आपको फोर भी, रिलैक्स। चलिए वन मोर सेकेंड, वन मोर मिनट है आपके पास, हाँ लास्ट लाइन मैंने दिखा दी आपको, डू नॉट वरी। पहले रिडंडेंट का मतलब समझ लेना दोस्तों, रिडंडेंट का मतलब क्या होता है, फिर करोगे तो हो जाएगा। अब देखिए कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडंडेंट, रिडंडेंट का मीनिंग क्या होता है, है ना। करण जरूर कर देंगे पर अभी टॉपिक सेट की बात नहीं करूंगा, सुनो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडंडेंट, रिडंडेंट क्या मीनिंग होता है इसका। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कभी गए होंगे बर्गर खाने, है ना, किसी शॉप पे गए होंगे, मैक भी गए होंगे, किसी और जगह गए होंगे, कहीं 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 ना कहीं गए होंगे, आप बर्गर खाने जरूर गए होंगे, है ना।
अब तो पहले ऐसा होता है आजकल तो एक ही देते हैं, एक बर्गर के साथ एक ही सॉस देते हैं, है ना। कई बार क्या होता है बर्गर के साथ आप लोग तीन या चार सॉस ले लेते हो, तीन या चार सॉस लेते हो, राइट। पर क्या वो सफिशियंट होता है? आप कहोगे नहीं सर वो सफिशियंट नहीं होता है, वो तो एक्सेस है, ज्यादा है, मतलब उसकी जरूरत नहीं है। बर्गर अगर एक है तो मेरा एक या दो सॉस से काम चला जाएगा, ज्यादा दो सॉस से मैं उस बर्गर को खा सकता हूं, राइट। इसका मतलब है कि आपके पास जो एक्स्ट्रा है वो सॉस एक्स्ट्रा है, जिसकी जरूरत नहीं है वो एक्स्ट्रा है, जिसकी जरूरत नहीं है पर ठीक है, हम लोगों की थोड़ी सी विंडो थी, चलो एक ले चलते हैं, कभी कहीं जाएंगे तो ले चलेंगे, ऐसा सोचते होंगे। सो मीनिंग क्या होता है, रिडंडेंट का मीनिंग क्या होता है कि कोई ऐसा स्टेटमेंट जो यहां पे एक्स्ट्रा है, जिसकी जरूरत नहीं है, वो नहीं भी होगा तो भी मेरे चारों कंक्लूजन सही हो जाएंगे। आप समझ रहे हो, दैट्स कॉल्ड एक्स्ट्रा। आपको एक्स्ट्रा स्टेटमेंट ढूंढना है इसमें से। सो ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्स्ट्रा, यहां पे अगर मैं ये लिख दूं ना इज एक्स्ट्रा तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अच्छा, एक्स्ट्रा फॉर द अबव सेट ऑफ कंक्लूजन टू फॉलो, यानी कि ये चारों कंक्लूजन सही करने हैं मुझे तो मुझे ये बताना है कौन सा मिनिमम रिक्वायर्ड है, कौन सा एक्स्ट्रा है, वो आंसर करना है। एंड ये आपके पास है कि क्या पहला और चौथा एक्स्ट्रा है, कि पहला एक्स्ट्रा है, कि चौथा एक्स्ट्रा है, कि दूसरा एक्स्ट्रा है, इसको समझना है। अब सुनो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मतलब डायरेक्टली कनेक्शन सिखाता हूं कि मेरे कैसा करना कैसे है। देखो, इसने मुझे बोला है कट का अकाउंटेंट के साथ कनेक्शन चाहिए मुझे, कट का अकाउंटेंट के साथ कनेक्शन चाहिए मुझे, यानी कट को अकाउंटेंट से कनेक्ट करना है। तो कट मेरे पास ये रहा और अकाउंटेंट का टर्म मेरे पास ये रहा। टर्म टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है यहां पे, ओके, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी मैं काम में ले रहा हूं, टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो कट और अकाउंटेंट को जोड़ने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? कट को अकाउंटेंट से जोड़ने के लिए मुझे गुड्स चाहिए, गुड्स का अकाउंटेंट से कनेक्शन चाहिए, या आप फिर बस मैं ये कहूं तो इसको आपस में कनेक्ट करने के लिए दो चाहिए। अगर ये दो होगा तो मैं इसका कैन नेवर या अकाउंटेंट या व्हाटएवर जो भी है वो निकाल लूंगा, राइट। इसका मतलब है कट और अकाउंटेंट को जोड़ने के लिए मेरे को क्या चाहिए, कट और अकाउंटेंट को जोड़ने के लिए मेरे को कॉमन वेरिएबल गुड चाहिए ही चाहिए, मतलब ये तीनों चाहिए ही चाहिए मुझे, चाहिए ना, मतलब दोनों स्टेटमेंट की मुझे रिक्वायरमेंट है। अब आओ, टाइट को टाइट को गुड से कनेक्ट करना है, ये टाइट है और ये गुड है। टाइट को गुड से कनेक्ट करने के लिए मैं टाइट को कहां से लेके आऊंगा, मैं केवाईसी से टाइट को ले आऊंगा, या फिर मैं छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगा टाउट को, टाइट को मैं अकाउंटेंट से ले आऊंगा और अकाउंटेंट को मैं गुड से ले आऊंगा, यानी कि मैं ये वाला जरूरी है मेरे को। इसको सही या गलत करना है, टाइट गुड है नहीं है व्हाटएवर, तो मुझे ये दोनों चाहिए क्योंकि इन दोनों में कॉमन वेरिएबल में अकाउंटेंट है। जब कॉमन वेरिएबल मुझे मिलेगा तभी मैं टाइट को गुड के साथ कनेक्ट कर पाऊंगा, हाँ है ना, राइट, ठीक है। केवाईसी को कट से कनेक्ट करना है, सोचो केवाईसी को कट से कनेक्ट करने के लिए पहले कट से गुड पे जाऊंगा, गुड से अकाउंटेंट पे जाऊंगा, अकाउंटेंट से टाइट पे जाऊंगा, तभी टाइट से इस पे जाऊंगा। और जैसे ही आपके तीसरा स्टेटमेंट आता है आप क्या बोलोगे, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है, नन ऑफ द स्टेटमेंट इज एक्स्ट्रा, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है, सारे जरूरी हैं। मीनिंग इज व्हाट, सारे जरूरी हैं, तो आपको सारे समझ में आएंगे। अब देखो क्यों सारे जरूरी हैं, सोचिए अगर मैंने बोला कि वन बाई टू के मतलब हाफ के वाई सी आर टाइट, तो मैंने क्या बोला, सम के वाई सी आर टाइट, मैंने लिख दिया सम के वाई सी आर टाइट लिख दिया ना मैंने। फिर क्या बोला, ओनली अ फ्यू टाइट आर अकाउंटेंट, ओनली अ फ्यू टाइट आर अकाउंटेंट, इसका मतलब बचे हुए टाइट का पार्ट है ये अकाउंटेंट में नहीं आएगा, राइट, बात समझ में आ रही है। फिर क्या कह रहा है, नो अकाउंटेंट इज गुड, कोई भी अकाउंटेंट गुड नहीं है, ये कोई भी अकाउंटेंट गुड नहीं है, देखो ये गुड नहीं है। एंड सम गुड आर कट, कुछ गुड क्या है, कट है, ये कट है, सोचिए है ना। अब आप सोचना सही क्या है गलत क्या है। पहला, ऑल कट कैन नेवर बी अकाउंटेंट, क्या सारे कट कभी भी अकाउंटेंट नहीं हो सकते, सारे कट बिल्कुल सही कह रहा है, क्यों, क्योंकि ये नो है ना, ये नो है तो सारे कभी नहीं हो सकते, पहला सही है। सम टाइट आर डेफिनेटली नॉट गुड, कुछ टाइट है जो निश्चित रूप से गुड नहीं है, तो टाइट का वो पार्ट जो अकाउंटेंट में आ रहा है, टाइट का वो पार्ट जो अकाउंटेंट में आ रहा है, और अकाउंटेंट का तो गुड से कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो सम टाइट आर नॉट डेफिनेटली अकाउंटेंट, ये भी सही है। फिर कह रहा है कि केवाईसी कट होने की पॉसिबिलिटी, केवाईसी भाई साहब यहां पे है और कट यहां पे है, यानी इसके सर्कल को अगर बढ़ाया जाए तो ये अपनी पॉसिबिलिटी बना सकता है, हाँ है ना, तो यस इट विल मेक अ पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबल है, ये भी सही है। और चौथा है, सम टाइट आर डेफिनेटली नॉट अकाउंटेंट, कुछ टाइट है जो निश्चित रूप से अकाउंटेंट नहीं है, तो ये ओनली अ फ्यू का स्टेटमेंट है ना, तो कुछ टाइट अगर अकाउंटेंट होंगे तो कुछ टाइट अकाउंटेंट नहीं भी होंगे, एंड दिस वन इज ऑल्सो राइट, तो सारे के सारे जरूरी हैं, तो आंसर शुड बी ए इज द राइट आंसर,
कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जिसको छोड़ा जा सकता हो और जिसकी वजह से चारों सही हो जाएं, मतलब कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है, राइट? क्लियर है? सो द आंसर इज, राइट आंसर इज ऑल आर सफिशिएंट, ऑल मतलब नन ऑफ द स्टेटमेंट इज एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, यू हैव लिमिटेड, ओके? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ओके, ट्राई दिस क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज आर डिफरेंट क्वेश्चन, इसको आप आराम से ट्राई कर सकते हो 40 सेकेंड में, 40 सेकेंड है आपके पास इसे सॉल्व करने के लिए। आप अपना सही आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो गाइज। वैसे टाइम ज्यादा दे दिया मैंने आपको ये सोच के कि एक मिनट है, जब मुझे याद आया कि अगर प्रथम 40 सेकंड ही दिए थे तो बच्चे तो टाइम लिए जा रहे हैं। 1 and 3 are 2, यू आर सेइंग कि 1 and 3 are 2, राइट? लेट मी चेक, देखिए क्या कह रहा है, ये पूरा स्टेटमेंट है, ये पूरा स्टेटमेंट है और ये पूरा स्टेटमेंट है, देखो कनेक्टिविटी एक ही तरफ है, पूरी कनेक्टिविटी एक तरफ जा रही है। कैसे? देखिए आपने जब यहां पे लिखा बी को बी से एच ओ करा, एस से डब्ल्यू को करा, जब आपके पास ऐसा कुछ आए ना स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट, तो आपको यू नो यू कैन फ्रेम इट, इसे फ्रेम कर लो, हार्डली 10 सेकंड या 12 सेकंड लगेंगे आपको। बी एच डब्ल्यू और क्यू कनेक्ट किया, राइट? क्यू कनेक्ट किया, क्यू से ए को कनेक्ट कर दो और ए से आपने ओ को कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट हो गया ना पूरा। मैंने क्या कहा था, ये एज अ टी कनेक्ट हो जाएगा, और अब ओ से कनेक्ट कर लो, ओ क्या है छोटा बराबर है टी से, छोटा बराबर है टी से, और टी ओ छोटा बराबर है आई से, दिखे नहीं रहा था यार पास में, और आई जो है छोटा बराबर है टी से, ठीक है? बात समझ में आ गई? अब आप देखो कौन सा सही है, अगर मैं यहां पे बात करूं तो मुझसे बोल रहा है ओ इज द थर्ड लार्जेस्ट एंटिटी, ओ थर्ड लार्जेस्ट है, सोचो अगर हम लार्जेस्ट की बात करें, ये देखो इसको देखो, दूसरा ये है और तीसरा ये है, हाउ कैन यू से कि थर्ड लार्जेस्ट है, मतलब ये कैसे कह सकते हो आप, मुझे ये बताओ, मैं दोबारा बना दूं इस बात को आपको चेक कराने के लिए। देखो आपने कैसे कह दिया कि सर पहला ट्रू है, पहला तो गलत है यार, पहला ट्रू हो ही नहीं सकता, सोचो कैसे, मैंने यहां पे क्योंकि लंबा हो गया था ना आपको फिर दिखता नहीं है, W और W से Q, ये क्लियर है, Q A O, Q से A और A से O, राइट? और O से I और I से T, O से I और I से T। अच्छा एक बात बताओ, अब आप जरा सोचो खुद, कैसे कह दिया आपने कि ये O is the largest entity, ये largest है, कैसे कह दिया? अब खुद सोचिए जरा, ये बड़ा और बराबर हो सकता है, बड़ा या बराबर हो सकता है, ये है ना, हो सकता है ना, ये भी तो बड़ा है बराबर हो सकता है दोनों ही बराबर हो जाएं और दूसरे नंबर पे आ जाइए ओ, हो सकता है तीनों ही बराबर हो जाएं, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, इट इज नॉट कंफर्म ना, पॉसिबिलिटी है ना, वो तो भाई ये इवन दैट, तो ए का कंफर्म है कि ये छोटा है बराबर होगा, लेकिन बड़े में कंफर्म कुछ नहीं है, तो वी कैन नॉट से कि एक बड़ा है, पहली बात ये गलत है, पहला गलत है। सेकंड देखो क्या कह रहा है कि एच इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी, एच सबसे छोटा है, तो एच सबसे छोटा दिख रहा है क्या मेरे को, तो बी दिख रहा है, तो ये वैसे भी गलत है। फिर बी इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी, ये राइट है, आंसर आएगा, अरे यार ये रह गया क्या, थर्ड कर लेना इसको, ठीक है, मैंने यहां सेकंड नहीं किया था, मैंने थर्ड किया था, ये सेकंड ही रह गया, एंड आंसर आएगा ओनली थर्ड, व्हाट शुड बी द आंसर, आंसर इज ओनली थर्ड फॉलो। और देखो ऑप्शन से मतलब नहीं था, अभी आपको मतलब था कॉन्सेप्ट से, बिकॉज वी आर यू नो जस्ट क्लियरिफाइंग आर कॉन्सेप्ट, अपन अपने कॉन्सेप्ट को फर्निश कर रहे हैं, ओके बढ़िया कर रहे हैं, तो आपको ये समझना चाहिए। एक बार यार अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर देना, अगर आपको लगता है कि वाकई में सेशन बहुत अच्छा है तो आप सबका लाइक करना बहुत जरूरी है यार, इतने अल्टीमेट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, क्लियर है? चलो
अब आते हैं अपने डीएस के ऊपर। ये आपको बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन देगा, ये आपको सीधे सीधे 5 मार्क्स देखे जाएगा एग्जाम में, सीधे सीधे 5 मार्क्स, ठीक है। एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का आएगा और हर बार मेंस में आता है ये। एक लाइक सबका बनता है, एक लाइक जबरदस्त तरीके से करो लाइक और शेयर करो, और 1 मिनट में नहीं 2 मिनट है आपके पास, 2 मिनट में सॉल्व करो, 2 मिनट में करो फटाफट से, डू इट नाउ। Come on, come on. C. Okay. चलिए देखो, वैसे ये क्वेश्चन आपके इतनी देर का था ही नहीं, ये 2 मिनट का क्वेश्चन ही था, लेकिन फिर भी आपने ले लिया इतना टाइम, कोई बात नहीं है, आधा नहीं है। ये लिखा हुआ है y इज लिविंग जस्ट अबव v, ये रेड हो गया लेकिन यहां पे v है, ये आधा नहीं है, ये यहां पे v लिखा हुआ है, आपको उससे देखना चाहिए था, शायद रेड कलर हो गया। चलो वैसे 2 मिनट का क्वेश्चन नहीं था, मैंने आपसे बोला लेट मी चेक कि देखो कैसे करना है इसको। देखो ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है ना आपका, देखो आपका कह रहा है कि टोटल 6 स्टूडेंट है यहां पे, 6 पर्सन है यहां पे, ओके, और ये 6 स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हैं, बॉटम इज नंबर 1 एंड टॉप इज नंबर 6, ठीक है। और आपसे बोला गया कि बताओ टॉप फ्लोर पे कौन आएगा, अगर आप देखोगे तो 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, आप स्टेटमेंट नंबर 1 इधर बनाओ, स्टेटमेंट नंबर 2 इधर बनाओ, स्टेटमेंट नंबर 3 इधर बनाओ, ओके। चलिए अब समझिएगा, मैं तीनों स्टेटमेंट की एक्सेप्ट कंडीशंस बना दूंगा एंड यू कैन डिसाइड कि विच वन इज राइट एंड विच वन इज रॉन्ग, है ना। सब प्लीज लास्ट में बताना कि हाउ मेनी पेयर्स इन सिलोजम, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बेटा, ऑल और सम नॉट होता है एंड नो एंड सम होता है, दैट्स इट, देयर इज ओनली 2 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। और इसके लिए आप क्लास में थोड़ा रहोगे तो आपको पता लगेगा। स्टेटमेंट नंबर 1, W live 2 floor above U. U से 2 floor above W है. इसका मतलब है gap is 1, है ना? So W live 2 floor above U who live on the prime number floor. अब U prime number पे है. Prime पे क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है. ये prime हो सकते हैं 1 से लेकर 6 तक में. और Y live just above V. V के just ऊपर Y आएगा. और V के just ऊपर कौन आएगा? Y आएगा. और ये immediate आएगा. अब सोचो जरा, समझिए जरा. अगर मुझे ये प्राइम पे चाहिए, मैंने अगर U यहां रखा तो W यहां रख सकता हूं, सोचना। अगर मैं U यहां रखूंगा तो W यहां रख सकता हूं, सोचना। 2 केस हो गए मेरे पास। मुझे VY को रखना है, VY को। अगर VY को रखूंगा तो यहां पे तो मेरे पास आ नहीं रहा, तो V और Y ये आ सकता है, पर जरूरी नहीं है, VY तो ये भी हो सकता है, बिकॉज U इज नॉट डेफिनिट, U डेफिनिट नहीं है आपके पास। सो यू कैन से कि यार ये भी हो सकता है केस तो ये भी हो सकता है कि V के ऊपर Y। सो अगर मुझसे टॉप फ्लोर पूछा कि टॉप फ्लोर पे कौन आएगा, तो व्हाट आई विल से कि सर टॉप पे वाई भी आ सकता है, टॉप पे कोई आ भी नहीं सकता है, ये देखो कोई नहीं आ रहा है, बात समझ में आ रही। सो यू कैन नॉट से कि सर क्या आएगा, एक्चुअली क्या सही है, यू कैन नॉट से, ओके। तो पहला आपका गलत है, सीधी सीधी सी बात है, पहले से आंसर नहीं आएगा आपके पास, ओके।
अब देखो, अब हम दूसरे की बात करते हैं, ठीक है, पहले की क्लियर हो गई है, अब आओ दूसरे पे जरा। दूसरा स्टेटमेंट कहता है एक्स लिव थ्री फ्लोर अबव यू, यू से दो छोर के ऊपर कौन आएगा, एक्स आएगा, राइट, पर यू फिक्स नहीं है। सो एक्स लिव थ्री फ्लोर अबव यू, हु लिव टू फ्लोर अबव वी, और वी जो है टू फ्लोर अबव है यानी एक छोर के, क्या ये टोटल छह हो रहे हैं, काउंटिंग में छह हो रहे हैं, और अगर काउंटिंग में छह हो रहे हैं तो आपको एक्स यहां मिलेगा, वन टू यू यहां मिलेगा, और यू के बाद एक छोर के वी यहां मिलेगा, एंड यू विल गेट द आंसर डेफिनेटली, डेफिनेटली सेकंड इज राइट, दूसरे से आपको आंसर मिल रहा है, एंड यू विल से कि सर सेकंड इज राइट, सेकंड आंसर बन रहा है, दूसरा जरूरी है, दूसरे से आंसर आ जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट देखो, यू लिव जस्ट अबव वाई, वाई से जस्ट ऊपर कौन आएगा, यू आएगा, और ये इमीडिएट आएगा, एटमोस्ट 2% बिटवीन यू एंड एक्स, और अधिक से अधिक दो, अधिक से अधिक दो है, मतलब 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 0 हो सकता है, है ना। अब वाई के तंतु पर तो यू आ रहा है ना, वाई के तंतु पर तो यू आ रहा है, अब सोचो कहां पे आएगा यार, कहीं भी हो सकता है, सोचो यू यहां पे हो जाएगा, वाई यहां पे हो जाएगा, 1 2 और एक्स यहां पे हो सकता है, एक्स यहां पे हो सकता है, जरूर थोड़ा है ये नहीं हो, तो ये भी हो सकता है, यू हो, वाई हो, एक एक्स छोड़ के यहां पे हो सकता है, एक्स यहां पे हो सकता है, एक्स यहां पे हो सकता है, मतलब वी कैन नॉट फिक्स इट। तो तीसरा वाला डेटा भी हमारा कुछ फिक्स नहीं है, दिस इज नॉट फिक्स डेटा, और अगर ये डेटा फिक्स नहीं है देन यू विल से कि सर ओनली सेकंड इज रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन, या ओनली सेकंड इज सफिशियंट। सो आपका आंसर क्या आएगा, ओनली डेटा टू इज सफिशियंट, इज दैट क्लियर, यानी ये आपको आंसर देके जाएगा, दिस इज द ओनली दैट विल गिव यू द आंसर, डन, क्लियर है। सब बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ यस सर क्लियर है, सारा समझ में आ गया, एंड गाइज आपका एक लाइक जरूर बनता है अगर आपको लगता है यस इट इज राइट, समझ में आ रहा है, सब कुछ है, बढ़िया क्वेश्चन है, एक लाइक आपका बनता है ना, वो जरूर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और डीएस लेते हैं, इसको सॉल्व करिए जरा, फिर आपको 2 मिनट देता हूं, ट्राई दिस, इसे ट्राई करो सब बच्चे, ये तो ऑप्शंस है तो इसकी टेंशन नहीं है। पूरा बनाना जरूरी नहीं होता है सुप्रिया, बोथ सेकेंड सेकेंड चलिए टाइम अप, 2 में एफ ही नहीं है, सेकेंड में एफ ही नहीं है, एच है, एफ की जरूरत है, बंदे कितने 7 हैं, ठीक है, चलो दीपशिका तुम्हें थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा, दीपशिका है कि मोनिका है, देखो सुनो मैं एक्सप्लेन करता हूं, सुनना बड़े ध्यान से सब लोग, जिन्हों जो लोग आंसर कर रहे हैं,
सात बंदे हैं, सेवन पर्सन है, इनके नाम ये हैं, एक रो के अंदर बैठे हैं और फेसिंग की नॉर्थ है। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ। अगर मैं एफ के इमीडिएट राइट की बात कर रहा हूं, ये देखिए है ना, एक रो बना ली मैंने, अब मेरे को देखना है एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के लेफ्ट में, एच के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे एफ आता है ना। एस सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, जे के इमीडिएट लेफ्ट में एस है, जे के इमीडिएट लेफ्ट में एस है। जी सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, और जी एंड पे है, जी एंड पे है। सुनना बड़े ध्यान से, अगर मेरे को, पहली बात तो यार ये आपस में कनेक्टेड ही नहीं है, कोई आपस में कनेक्ट नहीं है, कोई किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा। मैंने एच बना दिया, सपोज करो वन टू थ्री मैंने एफ बना दिया, राइट। जे के इमीडिएट लेफ्ट में एस कहाँ आएगा, जे के इमीडिएट लेफ्ट में एस यहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा तो तीन और तीन छः हो जाएंगे, सातवां बंदा कहाँ आएगा, या तो इधर आएगा या फिर उधर आएगा, है ना। और जरूरी नहीं है कि जे के इमीडिएट लेफ्ट में एस ये हो, जे के इमीडिएट लेफ्ट में एस ये भी हो सकता है। सो पहला डेटा तो सफिशियंट है ही नहीं किसी भी तरह से। सो यू कैन सी सर ये तो फिक्स ही नहीं है, फर्स्ट डेटा इज नॉट फिक्स। तो आप क्या बोलोगे, पहला डेटा तो फिक्स है ही नहीं। अब दूसरे पे आओ कि दूसरे में क्या कह रहा है, देखो, ओहो सॉरी, देखो दूसरे में क्या कह रहा है, ये डेटा है मेरे पास, ये लाइन है मेरे पास। दूसरा डेटा कह रहा है कि जे सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे जे है, ई के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे जे है। हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, अब ई जो है ना, जी के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे ई है, जी के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे ई है, कनेक्ट हो गया आपस में, देखो। और एस सिट्स सेकंड, एस सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ जे, और जे के लेफ्ट में एस है, जे के लेफ्ट में एस है, के एच के पास में है, के एच पड़ोसी है, ये इमीडिएट है, ओके। ये है हमारे पास डेटा। सोचो अगर मैं सबसे पहले ये देखूं कि ये वाला सारा डेटा कनेक्टेड है, अगर मैंने कहा कि सर ये जी बनाऊं, जी के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे ई बनाऊंगा, तो मैंने ई बनाया, ई के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे मैंने जे बनाया, और जे के लेफ्ट में एस है, तो सोचो कितने बंदे हो गए, एक दो तीन चार पांच छह, यानी कि एस को इधर ही बनाऊंगा। तो ये क्या आपस में कनेक्टेड नहीं था, बताओ क्या आपस में कनेक्टेड नहीं था, जी के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे ई, ई के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे जे, जे के लेफ्ट में कहीं पे भी सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ नहीं है, तो कहीं पे भी हो सकता है, इमीडिएट सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ भी हो सकता है। अब बंदे कितने हैं, तीन और तीन छह, सात बंदे, सात हो गए। के एच को पड़ोसी बनाना है, के एच इधर तो आ नहीं सकता, के एच होगा तो इधर ही होगा, यानी के या एच या एच या के होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो बचा क्या, एफ, क्यों वही बचा है ना। तो अगर एफ यहां पे आएगा तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इमीडिएट राइट ऑफ एफ कौन आएगा, ऑब्वियस सी बात है ई आएगा, एंड यू विल सी आंसर। थैंक यू नक्ष पाराशर, थैंक यू। इज दिस पॉइंट करेक्ट, समझ में आया, इसीलिए मैं बोल रहा था द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड इज सफिशिएंट, दूसरा सफिशिएंट है, सेकंड इज सफिशिएंट, एंड दिस इज द राइट आंसर। और मैं बस ये चाहता हूं कि आप सभी बच्चे इस वीडियो को हर जगह शेयर करिए। देखिए अभी मैं आपके लिए क्लास लेता हूं 45 मिनट की, 50 मिनट की, पर अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा मिलेगा ना, और अगर हमारे पास एक अच्छी गैदरिंग होगी, तो सोचो यार मैं ये क्लास 1.5 घंटे की और 2 घंटे की लूंगा मेंस की, तो कितना बेनिफिट होगा आपको, डायरेक्टली आपको कनेक्ट होगा ये, डायरेक्टली आपको। पर ये सारा की सारा बेनिफिट आप तक कब पहुंचेगा, जब हम थोड़ा एक डिसेंट नंबर गेन कर सकते हैं यार, अगर हमारे पास 80, 90, 100 बच्चे इज वॉचिंग ना, कि हाँ सर हमें मेंस पढ़ना है, वी आर हियर फॉर योर रीजनिंग क्लासेस, हमें मेंस कवर करना है, आप हमें मेंस कवर करवाओ। मैं क्लास को 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे एक्सटेंड कर सकता हूँ, 1.5 घंटे की जगह 2 घंटे कर सकता हूँ, हम फिर 8 बजे से लेकर 10 बजे तक लगातार 2 घंटे पढ़ सकते हैं। पर उसके लिए ना आपके अंदर वो जी लानी चाहिए कि यस सर वी आर रेडी फॉर इट, हम इसके लिए तैयार हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा अपना एक डिसेंट नंबर बढ़ाओ, ठीक है। सो आज की क्लास के लिए ऑलरेडी टाइम हो गया है, 10 बजे मेरी प्लस ही क्लास है। आज भी देखो अभी भी छूट गया, एक इनपुट आउटपुट छूट गया, एक पजल छूट गया है, पर वो भी अपन कवर करेंगे। 2 इनइक्वालिटी छूट गई है नई तरह की, पर कोई दिक्कत नहीं है, ये भी मैं आपको कवर करवाऊंगा। और आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, वो ये है, देखिए आज आपके 3 टेस्ट हैं, आज आपके 3 टेस्ट हैं, सो बी रेडी फॉर इट। ये देखो 3 अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस हैं, ये फ्री क्लासेस आज आपको देखनी है, 7:30 बजे से स्टार्ट करेंगे, शाम को टेस्ट है अपने, ओके जस्ट अ मिनट। हाँ ये 3 क्लासेस हैं,
एक 7:30 बजे होगी, एक 8:05 पे होगी और एक 8:37 पे होगी। ये तीन टेस्ट हैं गाइस, ये तीन टेस्ट हैं, ओके। ये तीन टेस्ट आपको देखने हैं। अगर आपसे कोड मांगा जाए तो कोड में आप डाल देना S1 Live, ठीक है। ये कोड है आपकी क्लास का, ये फ्री क्लास है, इट्स कंप्लीटली फ्री क्लास, फ्री क्लास, फ्री क्लास। तो ये तीनों क्लासेस हैं, इन क्लासेस के लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, है ना। सीधे सीधे डायरेक्ट लिंक मिलेंगे आपको कमेंट सेक्शन में, आप जाना, क्लिक करना और सीधे सीधे क्लास को ज्वाइन कर लेना, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया आज की फ्री क्लासेस के बारे में, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप अनअकैडमी प्लस पे ज्वाइन करना चाह रहे हैं, रेफरल कोड आपके पास है S1 Live, इस रेफरल कोड को आप यूटिलाइज करिए और अपने आप को अनअकैडमी प्लस पे ट्रांसफर करके अपने कोर्स को सही तरीके से भी खत्म कर सकते हैं। मेरे कोर्सेज ऑलरेडी अनअकैडमी प्लस पे हैं, तो आप इसमें यूज कर सकते हैं। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, मोबाइल से उसको रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद यू कैन सी आपके पास यहाँ पे पूरा की पूरा डिटेल होगा। इन डिटेल में से कोई सा भी एक डिटेल आपको लगता है कि 6 महीने 12 महीने या 24 महीने पे मुझे जाना है, जाने के बाद यहाँ आपके पास रेफरल कोड का ऑप्शन आता है। इस रेफरल कोड के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, ओके, अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद यू विल सी कि आपके पास फी अपने आप कम हो गई है, ओके, डन एंड दैट्स इट। राहुल बजाज, आपको 6 महीने या ईयरली लेना होता है, किसी भी पर्टिकुलर टीचर का आप ले नहीं सकते हैं। आपके पास एक सब्सक्रिप्शन होता है, जैसे अमेजॉन प्राइम होता है, भले आप प्राइम पे मूवी देखने के लिए ले रहे हैं, लेकिन आप टीवी शोज देख सकते हैं, कार्टून्स देख सकते हैं, कोई हिस्ट्री बायोग्राफी पढ़ सकते हैं किसी की जो अगर वहां पे दी हुई है। तो मतलब ऐसा है कि एक पूरा एक ऐसा पोर्टल है जहां पे सारे एजुकेटर का कोर्स पढ़ पाएंगे। फिर आप 6 महीने 12 महीने का लेंगे आप इसमें से, तो रेफरल कोड में फिर आपको S1 Live डालना होगा। एंड गो फॉर इट, क्योंकि कभी भी आपके अनअकैडमी प्लस की प्राइसेस बढ़ सकती है, ठीक है। चलो, सो आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद आपके पास, जैसे मान के चलो आपने एक साल के लिए ले लिया और आपने रिडीम किए कॉइन, अगर आपके पास कॉइन है तो रिडीम करना, और उसके बाद जो भी आपके पास बैंक की डिटेल्स है उन डिटेल से आप अपने कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दिस इज दैट्स इट फॉर द डे गाइज, आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूं कल हम बड़े नंबर्स के साथ आएंगे और बहुत अच्छे से क्लास को स्टार्ट करेंगे। एंड करण, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया बेटा कि नो एंड सम एंड ऑल एंड सम नॉट विल मेक अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सिलॉजिज्म, ठीक है, एक बार फिर बता दिया है। तो चलिए, अब सब लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो चैनल सबको सब्सक्राइब करना है ताकि सब बच्चे टाइम पर क्लास के अंदर आ सके। थैंक यू सो मच।